गुड इवनिंग टू ऑल गाइस, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है एंड आई एम टेकिंग सम मोर क्लासेस फॉर पेडागोजी एज यू हैड रिक्वेस्टेड। तो शुरू करते हैं अपने वर्क को। आज हमारा सेट नंबर 61 है और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेडागोजी। जी कुंदन, पारुल, चांदनी, रूपेश, सिमरन, शिवानी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। जी संचारी, गुड इवनिंग। तो बच्चों लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो सब बच्चे बताएंगे कि अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की तो बच्चे किससे कैरेक्टराइज्ड होगा, इन चार में से कौन सा हमारा करेक्ट बनेगा। जी सोनम, गुड इवनिंग। आयुषी, यानी आप देखिए यहां पे लिया है चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, या वेरी पैसिव टीचर एंड एक्टिव, या बच्चों वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर लर्नर्स। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये आंसर डी बनेगा, यानी कि हम उस स्टूडेंट के लिए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज को बनाएंगे। तो ये कैसी क्लास हो जाएगी हमारी, लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, बिल्कुल सही है। या बच्चों इसी को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक क्लासरूम, यही आपकी डेमोक्रेटिक लर्निंग भी कहलाएगी, डेमोक्रेटिक लर्निंग। जी अनीता बिल्कुल ठीक है, अनीता ऑल राइट। जी रूबी, गुड इवनिंग। रूपेश बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट किया है सब बच्चों ने। और आते हैं सेकंड नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहता है नहीं है, अ लेजिटिमेट पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। तो कहने का मीन्स ये है कि असेसमेंट का पर्पज इनमें से एक कौन सा लेजिटिमेट नहीं है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर, बिल्कुल सही है बच्चों। इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। टू रैंक लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ओके। टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर एक्टिविटीज हैव बीन अचीव्ड, बताइए बच्चों क्या बनेगा। 100% 3 बनेगा, बाकी सब करता है लेकिन ये बच्चों को रैंक बनाने का काम बिल्कुल नहीं करता है, तो आंसर हमारा 3 बन जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 कहता है व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज। बच्चों सबको पता है कि अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो ये बच्चों 2 तरह का बनता है, कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनल या फिर बच्चों एक्सटर्नल, यानी जो आपके अंदर से आता है इंट्रिंसिक, जो बाहर से आपको मिलता है वो एक्सट्रिंसिक। ज्यादा हमें ये मिलता है, लेकिन स्थायी जो होता है परमानेंट वो आपका इंट्रिंसिक है। तो यहां पे जो ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो ये आपके मन से आएगा अंदर से कि भाई मैं जिस जॉब पे वर्क कर रहा हूं मुझे उससे बेहतर चाहिए, तो क्या बन गया ये बच्चों इंट्रिंसिक होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है चांदनी, सुलेखा करेक्ट, अर्चना ओके, रूबी हाँ जी, कुंदन बिल्कुल ठीक है, सुलेखा। तो बच्चों आंसर हमारा इंट्रिंसिक होगा। अगर हम किसी पर्सन को देखें कि भाई उसकी रैंक फर्स्ट आ गई और हम जम के मेहनत करें, आपका एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, है ना। ठीक है ऑल राइट अनीता, ऑल राइट डन। आते ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ टीचर यूजेज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग। मतलब वो कहां से लेता है, एक रिपोर्ट लेता है न्यूज़पेपर से। द मटीरियल यूज्ड फॉर टीचिंग इज रेफर्ड टू एज। तो बताओ बच्चों कैसा मटीरियल होगा वो, न्यूज़पेपर से कोई मटीरियल लेना टीचर के लिए कैसा होगा, रियलिस्टिक मटीरियल, नेचुरल, ऑथेंटिक, या बच्चों एक्सटर्नल। अच्छा ऑथेंटिक मटीरियल ज्यादातर बच्चे इसको कह रहे हैं, तो ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, नेचुरल या फिर एक्सटर्नल। जी अनु प्रणाम। देखो बच्चों ध्यान से देखें तो बेसिकली तो टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, करिकुलम के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग, करिकुलम ही सबसे ऑथेंटिक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कहता है वो कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ली या फिर एक रिपोर्ट वहां से ली, तो हम इसे एक्सटर्नल कहें, ऑथेंटिक कहें, नेचुरल। देखो नेचुरल होने का तो कोई मीन्स नहीं बनता, रियलिस्टिक या फिर ऑथेंटिक या फिर एक्सटर्नल। हम इसका आंसर बच्चों एक्सटर्नल रखेंगे, ये करिकुलम से बाहर की चीज है, इट्स अ थिंग दैट हैज बीन टेकन आउटसाइड ऑफ द करिकुलम। तो आप इसे आंसर क्या देंगे? एक्सटर्नल मटेरियल। गेटिंग बच्चों? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 कहता है व्हेन अ टेस्ट आइटम एक्सपेक्ट्स लर्नर्स टू यूज टेंस फॉर्म्स, वॉइस, कनेक्टर्स, प्रपोजिशन एंड आर्टिकल एक्यूरेटली, सच एन अप्रोच कैन बी कॉल्ड। बताइए बच्चों क्या? इंटीग्रेटेड, असर्टेड, मिक्स्ड ग्रामर टास्क या फिर इंप्रॉपर ग्रामर टेस्टिंग। क्या क्या कर रहा है वो लर्नर से एक्सपेक्ट करता है टेंस फॉर्म्स को, वॉइस को, कनेक्टर, सभी कुछ मतलब करेक्टली यूज करना। तो ये क्या बनेगा? 100% बहुत अच्छे सोनम, करेक्ट बात है शिवानी, बिल्कुल ठीक हो गया संतोष, गुड इवनिंग। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग बनेगी क्योंकि सभी कुछ उसमें यूज हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट हो गया कुंदन, सुलेखा, चांदनी, रुपेश, कुंदन बहुत अच्छे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिनिमल पेयर्स का क्वेश्चन है आपका। कहता है मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस इन। तो सब बच्चों को पता है कि मिनिमल पेयर्स होते क्या हैं। बच्चों जैसे मैंने एक वर्ड बताया था आपको CHIP और CHEAP। अगर हम दो वर्ड्स में देखें तो देखो एक CH, एक I और P, ये तीन साउंड हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ भी 3 साउंड्स हैं। बस डिफरेंस जो बनता है बच्चों बीच वाले का बन रहा है, बाकी सब सेम है। CHP, इसमें और इसमें डिफरेंस है। जब कभी दो वर्ड्स में सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस हो, एक साउंड का, 1 साउंड का, तो बच्चों वो आपके मिनिमल पेयर्स होते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमल पेयर्स किसकी प्रैक्टिस को बनाते हैं, तो 100% बच्चों प्रोनंसिएशन को। तो आंसर आपका C बनेगा। बिल्कुल सही अर्चना, शिवानी, सोनम बहुत अच्छे, चांदनी बिल्कुल ठीक है, रूबी, आयुषी, रुपेश, संचारी, ये तो आपने आंसर कर दिया। संतोष बिल्कुल ठीक है, अर्चना जी, कुंदन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 7 नंबर। कहता है प्रेडिक्शन एज अ सब स्किल कैन बी एसोसिएटेड विद। अब सब बच्चों को पता है कि हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं बच्चों, LSRW है ना, ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। और वो कहता है इसमें प्रेडिक्शन को सब स्किल बना रहा है। तो बिल्कुल इनके आगे बच्चों सब स्किल्स भी होती है। जैसे मैं कह दूं एडिटिंग तो राइटिंग में है, डिक्टेशन राइटिंग में है, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन कहाँ है? ये बच्चों किसकी होती है? रीडिंग की। जब आप रीड करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई टीचर ने हेडलाइन दिखाई और पूछता है कि बताओ बच्चों आगे क्या होगा, तो ये उसकी प्रेडिक्शन है। तो ये रीडिंग की आपकी बनी, बिल्कुल ठीक आंसर है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, बिल्कुल अनीता, बिल्कुल आप बेटा करते रहिए बढ़िया से, और 100% हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 8 नंबर पे। 8 नंबर आपको कहता है अ टीचर गिव्स मेनी सेंटेंसेस एंड आस्क हर स्टूडेंट्स टू अरेंज देम इनटू अ लेटर, राइटिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। तो देखो एक लेटर में आपको उनको डालना है। द स्किल दैट इज चीफली इन्वॉल्व्ड इन दिस टास्क, वो बच्चों क्या है? एक्सपेंडिंग नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग, रीराइटिंग या फिर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो आपको राइटिंग का देखना है बच्चों, राइटिंग की बात यहां पे हो रही है। टीचर ने सेंटेंस दे दिए हैं, बस क्या करना है आपको? अरेंज करना है लेटर में, कहां पे क्या आना है। तो ये क्या बनेगा? बिल्कुल सही बच्चों, ये ऑर्गेनाइजिंग बनेगा। यही तो ऑर्गेनाइजिंग कंडीशन बनती है आपकी। एडिटिंग, ऑर्गेनाइजिंग है ना, रीराइटिंग, ये सारे क्या हैं आपके? डिक्टेशन एटसेट्रा, ये राइटिंग के सब स्किल्स हैं बच्चों। करेक्ट आंसर जा रहा है सभी का। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर। तो बच्चों ध्यान से देखो आपके पास क्या है? LSRW। देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों कैसी हैं बच्चों? ओरल। और राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये कैसी है? रिटन। तो अगर मैं, मुझे पेन पेपर टेस्ट दिया जाए तो मैं किसको नहीं कर सकता? यहाँ पे देखो कैन नॉट बी असेस्ड, तो ऑब्वियसली बात है पहले वाली, क्योंकि इनमें पेन पेपर की जरूरत ही हमें नहीं होती, सिर्फ बाद वाली को हम देख सकते हैं। तो नोट में बच्चों कौन कौन सा बनेगा आपका? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 10 नंबर को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल। बच्चों इनमें से कौन सी स्टडी स्किल नहीं है? देखो क्या रहे, स्टडी स्किल की बात करना है। नोट टेकिंग, यूजिंग अ डिक्शनरी, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया या फिर राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स। बिल्कुल सही आंसर, 100% बच्चों, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। देखो बाकी सब आएगा, नोट मेकिंग भी, नोट टेकिंग भी, यूजिंग डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन ये जो लिखा है राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, ये बच्चों एक कॉरेस्पॉन्डेंट का काम है, ये संवाददाता का काम है, ना कि एक बच्चे का काम है ना। स्टडी स्किल में नहीं आएगा, प्रोफेशनल वर्क हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है अरमान, करेक्ट हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, व्हेन अ टीचर यूजेज लेसन्स इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज। भाई साइंस पढ़ाते हुए लैंग्वेज पढ़ाने लगा, सोशल साइंस पढ़ाते हुए लैंग्वेज, सच एन अप्रोच कैन बी टेकन एज, ये कैसे क्या कहलाएगी बच्चों? प्लूरलिस्टिक, डिसिप्लिन वाइज, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, या बच्चों ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, क्या आंसर करेंगे आप इसको? 11 का सी, बहुत अच्छे बच्चों, यही कहलाता है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। आप करिकुलम के थ्रू नहीं जा रहे हैं बल्कि उससे अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई लैंग्वेज अकॉर्डिंग या लैंग्वेज विद करिकुलम तो बन गया, आप करिकुलम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं साइंस, आपने शुरू कर दी वहां पे लैंग्वेज, तो ये क्या बन गया? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू, तो बताओ रेमेडियल टीचिंग बच्चों किसको रेफर करती है? टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, या फिर टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स एक्सेल, या फिर टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, क्या बनाएंगे यहां पे? अच्छा 12 का ए आंसर 100% बच्चों, इसका मीन्स होता है कि टू एड्रेस द गैप्स इन लर्निंग, दैट इज द आरटीपी, रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, इसी के लिए हमारी रेमेडियल टीचिंग होती है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 कहता है लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट, ये कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? आइसोलेशन में, क्लियर एक्सप्लेनेशन से, इंटीग्रेटेड मैनर में, या बच्चों थ्रू इमिटेशन, नकल करके। तो अगर हम लैंग्वेज स्किल्स, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? LSRW की बात कर रहे हैं। तो बच्चों चारों कैसी पढ़ाई जाएंगी एग्जैक्टली बहुत अच्छे, शिवानी, संचारी, सोनम, चांदनी, करेक्ट, रूबी, रुपेश, अनु, राइट बच्चों जी, कुंदन, संतोष, बिल्कुल ठीक है, सतीश, आयुषी, ये बच्चों सी बनेगा। इंटीग्रेटेड मैनर में हम लेके चलेंगे चारों स्किल्स को, अनीता, अरमान, बिल्कुल ठीक है, सुलेखा। 14 नंबर देखेंगे, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, ध्यान से देखो, फिश पे एक स्टोरी को पढ़ने के बाद टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर, वो क्या पूछता है? इमेजिन दैट यू आर अ फिश इन अ पोंड, एक पोंड है बच्चों और इसमें आप क्या हैं? एक फिश हैं, है ना, ये फिश बन गई, देखो कितनी अच्छी फिश है। व्हाट डू यू सी अराउंड यू, तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो? तो दिस इज एन एग्जांपल हो, क्लोज टाइप क्वेश्चन नहीं बच्चों, ओपन एंडेड क्वेश्चन 100%, मल्टी चॉइस यहां पे है ही नहीं, और कॉम्प्रिहेंसिव, तो आंसर आपका 2 बनेगा, क्योंकि यहां पे हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, तो ओपन एंडेड है, आप जो चाहे वहां पे बना सकते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन हो आप लिख सकते हैं। 15 नंबर पे देखेंगे सब बच्चे, विच ऑफ दीज इज ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग, बच्चों इनमें से कौन सा प्राइमरी इंपोर्टेंस का है क्रिएटिव राइटिंग के लिए? बताइए, करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स, लेजिबल हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन एन ओरिजिनल वे, या फिर कमांड ओवर ग्रामर एंड पंक्चुएशन। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। 15 का सी आप कह रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, 100% ये प्राइमरी इंपोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो वो बच्चों एक ओरिजिनल वे में हो, एक क्रिएटिव वे में हो। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे, सब बच्चे अच्छे आंसर कर रहे हैं। 16 को देखेंगे आप लोग, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, बताओ बच्चों जो कन्वेंशंस हैं राइटिंग के वो क्या इंक्लूड करती हैं? स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेजिनेशन, या फिर गुड वोकैबुलरी। हम किस पे फोकस करेंगे बच्चों? ध्यान से देखें, स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेज, किसकी बात है? कन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, ठीक है अरमान, बहुत अच्छी बात है। 16 का कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात देखेंगे, देखो स्टोरी आइडियाज होना अच्छी बात है, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन सबसे अलग चीज यहाँ पे इमेजिनेशन। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं रखेंगे बच्चों आप एक बेहतर राइटिंग नहीं कर सकते, तो राइटिंग में इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो आंसर आपका क्या बन गया यहाँ पे? 3, इमेजिनेशन। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, A teacher should help learners acquire rich imagination and ability to think out of the box to develop their skills. तो बताओ बच्चों, अगर एक टीचर हेल्प करेगा लर्नर्स की रिच इमेजिनेशन को एक्वायर करने में, एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो क्या टेलिंग स्टोरीज, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, स्पीकिंग या बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग, क्या आंसर बनेगा आपका? 17 का डी. ओके राइट बच्चों, इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग. आउट ऑफ द बॉक्स कैसे होंगे आप? क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग. बिल्कुल ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग. आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 18 नंबर. व्हाइल आस्किंग लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर शुड. बच्चों को मतलब टीचर क्या कह रहा है कि साइलेंटली आपको पढ़ना है, तो सेट अ टाइम लिमिट. वो टाइम लिमिट सेट करे. करेक्ट देयर रिटन टास्क या आस्क देम टू कंसल्ट डिक्शनरी या बच्चों आस्क देम टू राइट द समरी. बताओ इनमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा? राइट बच्चों 18 का डी. वेरी नाइस आंसर्स, बहुत अच्छे, खुश कर दिया आपने दिल को. देखो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की हुई दिखती है, उसमें पता चलता है. और मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो जब एक फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे एग्जाम दे रहे हैं और अपनी फीडबैक दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी लगती है. कहीं पे बच्चे बताते 130 हैं सर मेरे, कुछ बताते 120 है, कुछ कहते हैं बहुत बेस्ट हुआ है. तो ये चीजें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती हैं. अच्छा अरमान, 4 को है आपका, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे. कहता है लेक्सिकल कोहेशन डिवाइसेस. देखो लेक्सिकल बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं? लेक्सिकल रिलेटेड होते हैं मीनिंग से. तो वर्ड फ्रेजेज यूज फॉर कनेक्टिंग आइडियाज, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर या बच्चों पंक्चुएशन. क्या बनेगा हमारा लेक्सिकल कोहेशन? मैं आपको बता दूं, कोहेशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ने वाला. जोड़ने वाला हमारा कोहेसिव डिवाइसेस कहलाते हैं, जोड़ने वाला. ठीक है, ठीक है, ठीक है. 100% बच्चों ये क्या बनेगा आपका? ए. बहुत अच्छे. वर्ड्स फ्रेजेस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आइडियाज, इन्हीं को बच्चों हम लेक्सिकल कोहेशन डिवाइसेस कहते हैं. अच्छा, पैसेज को कैसे सोल्व करेंगे? अनीता बेटा बताया है कि पैसेज को आपको करने के लिए क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन से पैसेज पे जाना है. मैंने कई जगह उसको बताया, एक्सरसाइज भी कराई है, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं जाके. इसमें क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे सब लोग. अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अ टीचर शुड. बच्चों टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, 10 को है शिवानी, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से दे के आना है आपको. तो बच्चों एनसीएफ 2005 के टीचरों को क्या? हेल्प इन एनरिचिंग द लर्नर्स इमेजिनेशन, डेवलप द लर्नर सेल्फ वर्थ, एक्सपोज द लर्नर एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस या कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग द लर्नर लर्न द टेक्स्ट थोरोली. बताइए बच्चों. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप दे रहे हैं. बच्चों ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे कह रहा है एनसीएफ 2005, देखो 2 लैंग्वेज की बात नहीं करता, वो 3 लैंग्वेज की बात करता है. कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग द लर्नर टेक्स्ट थोरोली, ठीक है बात. डेवलप द लर्नर सेल्फ वर्थ है, लेकिन ये जो फर्स्ट वन है यहाँ पे, हेल्प इन एनरिचिंग द लर्नर्स इमेजिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आंसर बच्चों आपका 1 बनेगा. करेक्ट हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे सब लोग. व्हेन अ टीचर यूजेज रियलिया. बहुत आसान क्वेश्चन है और मुश्किल भी है. टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर. तो बच्चों वो क्या कर रही है? रियलिया का मींस क्या बनेगा? यूजिंग रोल प्ले, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज. बहुत अच्छे बच्चों, रियलिया का मीन्स होता है रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, एक्शंस का यूज करना, एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस को लेना. बिल्कुल ठीक है, एक तरह से मतलब रियल चीजों को लेना. वेरी नाइस आंसर. 23 को देखेंगे. मल्टी डायमेंशनल करिकुलम इज वन विच. तो बताओ बच्चों मल्टी डायमेंशनल करिकुलम क्या होगा हमारा? कैटर्स टू टीचिंग ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, एंश्योर्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स या बच्चों स्प्रेड्स इन वेरियस डायमेंशंस, कवर्स कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट एरियाज. ऑल राइट बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. तो multi-dimensional curriculum is one which right बच्चों ensures all round development. Very nice answer. आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे, टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग. बताइए क्या करेंगे हम. टू क्रिएट एंड सस्टेन लर्निंग यानी कि क्रिएट करना और बच्चों से बनाए रखना इंटरेस्ट को लर्निंग में. लर्नर्स शुड नॉट बी लेबल्ड एज स्लो, एवरेज एंड हाई अचीवर्स, या लर्नर्स शुड बी टोल्ड स्टोरीज, इन्वॉल्व लर्नर्स इन एक्टिविटीज, या बच्चों मेक देम टीच ईच अदर. वेरी गुड, कर दिया है बच्चों ने, आंसर कर दिया है. उनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा एक्टिविटीज में. तो बच्चों आंसर आपका 3 जाएगा. बहुत अच्छे. आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर असेसिंग लर्निंग लर्नर्स राइटिंग स्किल्स. हम राइटिंग स्किल्स को असेस करना चाहते हैं तो बच्चों कैसे करेंगे. हैंड राइटिंग से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज से, पंक्चुएशन स्पेलिंग से, या बच्चों रीडिंग एबिलिटी से. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ओके ओके. 100% ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ये सबसे बड़ी चीज है एक राइटिंग में, है ना. जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं करेंगे तो हमारी राइटिंग बेस्ट नहीं हो सकती. 26 को देखेंगे. व्हेन अ टीचर आस्क्स लर्नर्स टू जज द एक्शंस ऑफ अ कैरेक्टर इन स्टोरी दे हैव जस्ट रेड, शी एक्सपेक्ट्स देम टू. तो बताओ बच्चों वो क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे. अंडरस्टैंड फैक्ट्स एज स्टेटेड, इवेल्युएट, रीड बिटवीन द लाइन्स, या बच्चों गो बियॉन्ड द टेक्स्ट. नो 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 बच्चों ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना, व्हेन अ टीचर आस्क्स लर्नर्स टू जज द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर इन स्टोरी दे हैव जस्ट रेड, है ना. तो अगर मैं कह दूं अंडरस्टैंड फैक्ट्स एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट, ये तो बच्चों रटना हो गया. इवेल्युएट हम इसे कहेंगे नहीं, हम कहीं रीड बिटवीन द लाइंस. इसका मतलब होता है बच्चों हिडन जो चीजें होती हैं वहां पे, हिडन चीजों को भी ढूंढ लेना या हिडन चीजों का मीनिंग भी गेट कर लेना. और ये कब कर पाएंगे आप, जब आप वहां के डिफरेंट कैरेक्टर्स को इवेल्युएट करेंगे, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे. आ रही बात समझ में. तो आंसर हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, थर्ड. 27 को देखेंगे. एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग द टीचर शुड. टीचर को क्या करना चाहिए. आपको पता है कि एनसीएफ 2005 टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड नहीं कहता बच्चों, क्या कहता है, सिर्फ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. तो क्या मीन्स है. एम एट फिनिशिंग द सिलेबस, लोड लर्नर्स विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन ईच लेसन, या प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपोज लर्नर्स टू हियर एंड यूज द लैंग्वेज. वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है. देखो कितने बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग. तो 27 का बच्चों हमारा 4 ही जाएगा. 28 को देखो. ड्यूरिंग ड्रामेटाइजेशन व्हेन अ टीचर यूजेज एम्पैथी एज वन ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स फॉर असेसिंग लर्नर्स, शी इज असेसिंग देयर एबिलिटी टू. तो बताओ बच्चों एम्पैथी का मीन्स, देखो 2 वर्ड होते हैं, सिंपैथी एंड एम्पैथी. सिंपैथी का मीन्स होता है कि हम किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, कि मतलब उस पर्सन को सिंपैथी हमारी चाहिए. लेकिन एम्पैथी होता है हम उसके प्लेस पे पहुंच जाएं. तो देखो सिंपैथाइज विद कैरेक्टर, गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, एप्रिशिएट, या बच्चों क्रिटिकली एनालाइज. तो आंसर बनेगा सेकंड, गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. उस कैरेक्टर की जगह पे पहुंच जाना, उसकी स्किन में पहुंच जाना. बिल्कुल चांदनी, बिल्कुल सही बात है. अगर इनको देखें तो फिर हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों. अ गुड समेटिव असेसमेंट शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज. एक गुड, देखो एसे की बात कर रहा हूं बेसिकली, एफए की बात नहीं कर रहा है, कि एक गुड एसे में क्या होना चाहिए. रिलायबल एंड विदाउट बायस, टेस्ट मेनली स्ट्रक्चर, हैव गुड फेमिलियर गुड ग्रामर क्वेश्चन, या टेस्ट द फुल ईयर्स सिलेबस. तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या बनेगा एक गुड समेटिव असेसमेंट में. नो बच्चों डी नहीं, देखो लिखा है ना टेस्ट फुल ईयर्स सिलेबस, ये तो ऑलरेडी पता है हमें कि ऐसे यही होता है। बच्चों सबसे बड़ी बात है वो रिलायबल और विदाउट बायस होना चाहिए। जब तक वो रिलायबल नहीं होगा तब तक वो गुड समेटिव असेसमेंट नहीं है। ये तो आपने समेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन बता दी, ये तो डेफिनेशन हुई, टेस्ट करता है फुल ईयर्स के सिलेबस को। लेकिन बच्चों उसकी क्वालिटी क्या है कि वो रिलायबल होना चाहिए विदाउट बायस। बायस का मतलब होता है हम बायस्ड होकर चीजों को दूषित कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 30, पोएट्री रेसिटेशन हेल्प्स लर्नर्स। तो सब बच्चों को पता है पोएट्री का मतलब होता है कोई पोएम को रटना, किसी पोएम को रिसाइट करना है ना, उसका उच्चारण करना। तो वो क्या दिखाता है लर्नर को, क्या सिखाता है? लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, भाई सिखाता है। अंडरस्टैंड सेम साउंड वर्ड्स, बिल्कुल। लर्न रिदम, बिल्कुल ठीक है। लर्न राइम्स। तो बच्चों इसमें आंसर आप क्या देंगे, एक मिनट, रिदम और राइम्स आंसर बताएंगे सब बच्चे। थर्टी का मैक्सिमम बच्चों ने ए कहा है। बच्चों ध्यान से देखोगे, अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री सिर्फ इंटोनेशन और स्ट्रेस पे बेस्ड नहीं होती। इंटोनेशन और स्ट्रेस तो बच्चों प्रोज में भी होता है। अगर मैं वॉटर वर्ड को यूज करूं तो इसमें भी आपका स्ट्रेस और इंटोनेशन आएगा। लेकिन पोएट्री स्पेशली क्या होती है, वो बच्चों हमें राइम सिखाती है, रिदम सिखाती है। तो अगर मैं इसमें को लर्न रिदम या लर्न राइम, एक ही बात है दोनों का, बेसिकली राइम में जाएगा। राइम, राइम क्या होती है आपकी? राइम बच्चों आपकी रिदम से ही बनती है, ठीक है जी। तो आंसर आपका राइम पे जाएगा। तो बच्चों हम इसे देखें तो ये कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। सब बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ में बच्चों मैं बता दूं वेरी सून आप लोगों के लिए डीएसएसबी एंड एलटी ग्रेड, ये दोनों ही चीजें मैं जल्द से प्रोवाइड करने वाला हूं। उस पर वर्क हो रहा है एंड वेरी सून ये आपके सामने प्रेजेंट होगा बच्चों। और बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों को जिनका एग्जाम आ रहा है। ठीक है, ठीक है अरमान, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। 17 वाले क्वेश्चन का कोई क्या कह रहे हैं आप? 17 वाला एग्जाम बेटा ये तो अनंता देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। ऑलराइट बच्चों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।